100 परसेंटाइल वाले 15 बच्चे हैं, यानी जिसका 99.999999% फिजिक्स फॉर यू के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम ओम राउत। आज का जो वीडियो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट हु हैव गिवन जेई मेन इन दिस जनवरी, और जो भी 11th में और एक साल बाद जेई मेन का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो ऐसे कई सारे वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ आपको अवेयर करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो टॉपिक पे आते हैं। एनटीए ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया हुआ है, उन्होंने परसेंटाइल के साथ रैंक भी दिया हुआ है। अगर नहीं दी, आपको नहीं समझ में आ रहा रैंक कैसे निकालना है, तो मैंने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो रैंक कितना है आपका। देखिए, अगर आपका एक एग्ज़ाम्पल के साथ शुरू करते हैं, अगर आपका 99.43 के आसपास अगर परसेंटाइल है तो आपका रैंक करीबन 5000 के अंदर है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि 5000 बच्चे आपके आगे हैं, मानो आपको 5001 अगर रैंक है। तो अब बात ये होती है कि एनटीए जो मार्क्स, जो परसेंटाइल कंसीडर करेगा उसमें से मैक्सिमम परसेंटाइल कंसीडर करेगा, है ना, और रैंक जिसमें आपका रैंक ज़्यादा हो। मान लो कि आपने इस बार जेई मेन दी, आपका 5001 रैंक आया, अगली बार दी आपका 7001 आया, तो आपका परसेंटाइल कौन सा कंसीडर करेंगे जिसमें आपका परसेंटाइल ज़्यादा हो। इस बार मान लो आपका 99.43 है तो आगे कम आया, तो यही आपका परसेंटाइल यूज़ करेंगे, लेकिन उस हिसाब से वो रैंक देंगे हर एक स्टूडेंट को। तो मुझे बताओ, जो आगे जो अप्रैल में जेई मेन आने वाला है, तब जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे अच्छे से प्रिपेयर करके, तो वहाँ पे भी 5000 रैंक वाले बच्चे भी रहेंगे फिर से। मतलब आपका रैंक फिर से 5000 के ऊपर तो जाने वाला नहीं है, लेकिन उससे कम आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब आपका 10000 भी रैंक हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। इस बार अगर देखा जाए 100 परसेंटाइल वाले 15 बच्चे हैं, यानी जिसका 99.999999 परसेंटाइल है उसका रैंक आ गया 16। अगर उसने डिसाइड किया कि भाई मेरा तो अच्छा परसेंटाइल है तो मैं इस जेई मेन पे क्यों फोकस करूँ, मैं जेई एडवांस पे फोकस करता हूँ, और उसका परसेंटाइल फिर से खिसक गया आगे जाके, तो उसका रैंक अगर देखा जाए तो अगले बार मान लो कि फिर से 15 बच्चों को 100 परसेंटाइल आ गया। मतलब ये 15+15 तो टोटल कुल मिला के कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब जिसका 99.999999 परसेंटाइल था उसका रैंक कितना हो गया, अभी उसका रैंक हो गया अभी 31, यानी जो पहले वाला रैंक था उससे डबल रैंक उसका हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका 10000 रैंक आ रहा है तो आपका अगली बार 20000 के आसपास भी रैंक आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको इस वीडियो से ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी जो परसेंटाइल आपका आया हुआ है या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा रैंक आया हुआ है, तो उस पर पूरा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आपका रैंक कम भी हो सकता है। कम होगा ये तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये मान के चलिए कि आपको जेई मेन फिर से अच्छे से देना ही है ना। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऐसे कई सारे वीडियोस में आगे जाके अपलोड। और हाँ, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग फॉर जेई मेन अप्रैल। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सको प्लीज़ शेयर कीजिए, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। एंड अभी तक आपने जेई मेन का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ है, खाली जेई एडवांस पे अगर फोकस कर रहे हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जेई मेन अच्छे से दीजिए, अगर आपका 99 परसेंटाइल हो तो भी, उससे ज़्यादा हो तो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।